अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मैं amana.com से बिलोंग करता हूँ। amana.com एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल है और इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं सेवरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही एक लैंडमार्क के बारे में बात करेंगे जो कि लोकेटेड है एट अडियाला रोड, नेम्ड एज रूडन एनक्लेव। रूडन एनक्लेव का जो सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर है वो है रावलपिंडी रिंग रोड का वो इंटरचेंज जो कि अडियाला रोड पर बन रहा है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रावलपिंडी रिंग रोड का जो काम है वो इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका जो थर्ड प्रपोज्ड इंटरचेंज है वो है अडियाला रोड पे और वो रूडन एनक्लेव की एंट्रेंस से 1 किलोमीटर के फासले पे है। सो इन फ्यूचर ये जो रूट एक्सेस है इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा रूडन एनक्लेव पे। सेकेंडली अब हम बात करते हैं रूडन एनक्लेव की लोकेशन की। तो रूडन एनक्लेव लोकेटेड है अडियाला रोड पे। प्रिसाइजली अगर बात करें तो अडियाला जेल और जरार कैंप के दरमियान में लोकेटेड है। इसको डिफरेंट रूट से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो एग्जैक्टली रूडन एनक्लेव के फ्रंट पे है, तो आप ये रास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली सदर से या धमियाल रोड को यूज़ करते हुए आप रूडन एनक्लेव तक जा सकते हैं। जो फ्यूचर इसका रोड प्रपोज्ड है वो एक तो ये रिंग रोड का होगा, सेकेंडली रूडन एनक्लेव की जो एक्सटेंशन प्रपोज्ड है जो कि टुवर्ड्स है चक्री रोड। अभी भी वो रोड अवेलेबल है लेकिन प्रॉपर नहीं बनी हुई, तो जब वो एक्सटेंशन होगी तो वो रास्ता भी यूज़ करते हुए आप मोटरवे को, एयरपोर्ट को इंतहाई ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूडन एनक्लेव के मास्टर प्लान की। रूडन एनक्लेव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री ऑफर कर रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं और फार्म हाउसेज हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं। इनकी अगर प्राइसेस की बात की जाए तो 5 मरला का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 10 लाख से। अगर कमर्शियल में देखा जाए तो 4 मरला की जो प्राइस है वो अभी 22 लाख ऑफर की गई है। और इसी तरह फार्म हाउस में देखा जाए तो 4 कनाल का फार्म हाउस आपको दिया जा रहा है 80 लाख में। अभी आपने कुछ डेज पहले आपने हमारे चैनल पे एक और वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपसे रूडन एनक्लेव सोसाइटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन शेयर किया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि विद इन सम डेज जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज होने वाली हैं। सो जो मैं अभी आपसे प्राइसेस शेयर कर रहा हूँ ये कुछ लिमिटेड टाइम तक एप्लीकेबल हैं, उसके बाद न्यू प्राइस प्लान जो है वो हम न्यू वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। देन अगर बात की जाए अमेनिटीज़ की, फैसिलिटीज़ की, तो किसी भी सोसाइटी में की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविज़न। तो जैसा कि मैंने आपसे लोकेशन शेयर की है, रूडन एनक्लेव 2 डैम्स के दरमियान लोकेटेड है, जावा डैम एंड खसाला डैम। सो अकॉर्डिंग टू द नेस्पाक जो कि डिज़ाइनर कंसल्टेंट हैं रूडन एनक्लेव के भी और रावलपिंडी रिंग रोड के भी, उनके मुताबिक रूडन एनक्लेव में अगले 100 साल तक पानी का कोई इशू एक्सपेक्टेड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक बात है तो रूडन एनक्लेव की सोसाइटी के अराउंड ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, आबादी है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम अमेनिटीज़ की जो एक्सेस है वो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंडली आपको जैसे पता होगा कि अडियाला रोड पे भी डेवलपमेंट का काम जारी है, अडियाला रोड को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके अलावा जो अमेनिटीज़ गवर्नमेंट जो अमेनिटीज़ सोसाइटी की तरफ से ऑफ़र की गई हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उनमें इंक्लूडेड है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है, इसमें आपको जामिया मॉस्क ऑफ़र की जाएगी, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, वाटर थीम पार्क है, वर्ल्ड क्लास सिनेमाज हैं, हॉस्पिटल्स एंड फूड कोर्ट्स हैं, ग्रैंड जामिया मस्जिद है, डेडिकेटेड ग्रेवयार्ड होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये तमाम चीज़ें ऑफ़र की जाएंगी सोसाइटी की तरफ से अपने तमाम रेजिडेंट्स को। देन इसके जो डेवलपर हैं रेमर्सको प्राइवेट कंपनी इसको डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया नेस्पाक जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है वो इसके डिज़ाइनर कंसल्टेंट हैं और नेस्पाक का आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक वेल नोन कंपनी है। देन अगर बात की जाए NOC की जो कि इतना इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो रूडन एनक्लेव की जो एनओसी है वो अक्टूबर 19 में अप्लाई कर दी गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एनओसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होती है, तो रूडन की एनओसी अभी अंडर प्रोग्रेस है। मीनवाइल मैं आपको बताता चलूँ कि रूडन अभी प्री लॉन्चिंग स्टेजेस पे है, लेकिन इस टाइम पर भी 25% डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। लाइक जो ब्लॉक ए है उसकी पोजेशन इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स दे दी जाएगी। डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड जो वीडियो है वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियो उससे रिलेटेड बनाएंगे और आपको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है साइट पे। अनटिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अमानत.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।